चुनाव नतीजा आने से पहले ही भाजपा में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। भाजपा के नेता अब आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से निष्कासित नेता प्रवीण तिवारी ने कहा कि भाजपा के जिलाध्यक्ष रंगीन मिजाज के हैं, पार्टी के लिए उन्होंने एक दिन भी क्षेत्र में कदम नहीं रखा, कोई मेहनत नहीं की, ऐसे लोगों ने अपनी ही पार्टी भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। अब चुनाव नतीजे के पहले बीजेपी की यह स्थिति देखकर कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, वहीं भाजपा की चिंता लगातार बढ़ते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सिंगरौली में बीजेपी से निष्कासित नेता प्रवीण तिवारी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने प्रवीण तिवारी जिंदाबाद और राम सुमिरन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान प्रवीण तिवारी ने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष बहुत रंगीन मिजाज के हैं, पार्टी के लिए उन्होंने एक दिन भी क्षेत्र में कदम नहीं रखा, कोई मेहनत नहीं की, उन्होंने भाजपा को ही नुकसान पहुंचाया है। वो और भी कई तरीके से नजर आते हैं, बहुत रंगीन मिजाज है हमारे जिला अध्यक्ष हैं। पार्टी के काम में मैं बता रहा हूँ, मोरवा सेक्टर में एक दिन भी एक सेकंड के लिए भी कदम उन्होंने नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जबकि उनका गृह वार्ड है, एक मार्केट में कहीं उनका भ्रमण नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है क्या? उनके हिसाब से विकास की जा रहा है, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कराया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। प्रवीण तिवारी ने कहा कि अगर बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में अपनी बात रखने नहीं जा सकते तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनमें कोई उत्पात मचाने वाला व्यक्ति नहीं है, इनमें कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है तो कोई सामान्य कार्यकर्ता है, इनमें कोई असामाजिक तत्व नहीं है। चुनाव में हमने इन्हीं कार्यकर्ताओं से काम लिया है, पुलिस इन कार्यकर्ताओं को उठाकर थाने ले गई है, ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही कार्यालय में अपनी बात रखने नहीं जा सकते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई उत्पाती नहीं है उसमें, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई एसटी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, कोई किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष है, कोई सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा नहीं जो असामाजिक तत्व हो। और अभी 17 तारीख तक इन्हीं कार्यकर्ताओं से हम लोग ने दिन रात काम लिया है। इनको किसी बात का कष्ट हुआ है तो माननीय जिला अध्यक्ष को सामने आना चाहिए और सामने आकर इनकी बात सुनना चाहिए, इनके परेशानी को दूर करना चाहिए और तब जाके शांति से इनको वापस भेजना चाहिए। इन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आके और कार्यकर्ताओं को उठा के दो बस बिंदनगर थाने ले गए और दो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बैठन कोतवाली में बैठा रखे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।